प्यारी मूवी है, पैसा वसूल मूवी है। मतलब जब इंटर हो रहे थे तो ऐसा फील नहीं हो रहा था कि ऐसा, जब स्टार्टिंग है 10-15 मिनट बाद में जब पिक्चर जो पिकअप पकड़ती है, मज़ा आता देख के। मुझे सबसे ज़्यादा काम तो कटरीना जी का अच्छा लगा है, क्योंकि एक जो उनको जो रोल मिला था वो चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि वो उनकी हिंदी एक्सेंट उनका परफेक्ट नहीं है, बट उन्होंने जो जिस तरीके से निभाया है, आपको देख के लगता है कि डायरेक्टर को मालूम था कि ये रोल किसके लिए बेस्ट है। ईशान ने भी अच्छा काम किया है, जब आप ईशान को देखते हो तो ही लुक लाइक शाहिद, तो आपको थोड़ा उसका भी फ्लेवर देखने मिलता है। बहुत अच्छा सिद्धार्थ ने भी अपनी जगह बहुत अच्छा काम किया है, और उनमें जैकी श्रॉफ है, उन्होंने भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। बहुत अच्छा देखिए, आपको कैसी लगी? उनका एक्शन अलग ही ढंग से बताया और बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने, और उनके ऊपर ही पिक्चर मूवी टिकी हुई है। पूरी पिक्चर में उनका काम बहुत अच्छा है। और जैकी श्रॉफ का जो रोल किया, जैकी श्रॉफ का भी रोल बहुत अच्छा है, जैकी श्रॉफ भी अच्छा काम किए। और भी उसमें बहुत सारे लोग हैं ईशान, नहीं सबके काम अच्छे है। पिक्चर पूरा भूत के ऊपर बनाया है जी, राम गोपाल वर्मा की पिक्चर आती थी, फिर भी पिक्चर अच्छी है, फिल्म अच्छी है। फोनबुद मूवी मैंने देखी कम्प्लीटली वन, मुझे थोड़ा सा स्क्रिप्ट वाइज थोड़ा सा लूज लगा, ऑनेस्टली मैं रिव्यू दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट वाइज थोड़ा सा लूज लगा, बट ओवरऑल एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, जैसे कि मैं उम्मीद करता था कैटरीना कैफ से, काफ़ी दिनों के बाद वापस से कम बैक किया उन्होंने, और ईशान खट्टर, सिद्धांत चतुर्वेदी एंड जैकी श्रॉफ, ऑलमोस्ट मेरे फ्रेंड लोग भी इस फिल्म के अंदर हैं, तो मुझे अच्छी लगी फिल्म। एक तरह से हॉरर कॉमेडी फिल्म है, मतलब हम एक मॉर्निंग बेस में अगर आते हैं तो मॉर्निंग सेशन में पैसा वसूल है। ओके शाय, ओके ओके है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, कॉमेडी जेनर है, हॉरर है, कॉमेडी है, सो इट ठीक है, रिफ्रेशिंग लगा मेरे को, थोड़ा रिलैक्सिंग होनी चाहिए थी तो वैसी लगी। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे ईशान है, कैटरीना है, कैटरीना ने पहली बार ये जॉनर ट्राई करा है हॉरर कॉमेडी का, तो वो अच्छा लगा मुझे देखकर। व्हाट अबाउट म्यूजिक? म्यूजिक वाज सो सो, नॉट गुड, ओके लगा। व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट इन दिस मूवी? कॉमेडी पे बनी है, पर कॉमेडी ऐसे हर जगह, मुझे कुछ कुछ जगह पे ना फोर्स्ड लगी कॉमेडी, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट ओके वन टाइम वॉच है, इट्स ओके। लेकिन इतना हाइप था, ट्रेलर भी देखा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि कॉमेडी हॉरर मूवी है, और हॉरर तो है ही नहीं मूवी में, कॉमेडी पंचेस हैं फर्स्ट हाफ में, बट सेकंड हाफ में इट फॉल्स फ्लैट। आई थिंक इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग इन द सेकंड हाफ, बिकॉज द प्लॉट इज़ वेरी वीक, कंटेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये आई थिंक बॉलीवुड डायरेक्टर्स नीड टू लर्न कि पावरफुल कंटेंट होना चाहिए। इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स, कैटरीना कैफ जैसी बेहतरीन एक्ट्रेस, और ईशान और सिद्धांत जैसे एक्टर्स, बट कहीं ना कहीं हम लोग मायूस हो गए। द कंटेंट इज़ वीक, आई थिंक बॉलीवुड नीड्स टू नो व्हाट दे आर मेकिंग। सेकेंड हाफ में इट जस्ट फॉल्स फ्लैट, कहीं भी यू नो मूवी जा रही है, कोई सर पैर नहीं है, तो यू नो समवे यू विल बी डिसअपॉइंटेड, डिसिल्यूजन, बिकॉज सो मच वी हैड एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस मूवी, एंड इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे, जैकी श्रॉफ वॉज वेस्टेड, शीमा जड्डा जैसे सीजन एक्ट्रेस को वेस्ट किया। कहीं कहीं कॉमेडी पंचेस है, बट इट एंटरटेन्स यू इन बिट्स एंड पार्ट्स, नॉट वेरी कंसिस्टेंट।